राजा शिवी की पत्नी बोली, पतिदेव आपके शरीर में मांस नहीं है, आज्ञा हो मैं अपने शरीर के मांस काट करके चढ़ा दूं। अब बताइए कि राजा शिवी की पत्नी भी कितना सुंदर विचार की नारी थी। सिर्फ सुंदर नहीं, विचार भी सुंदर होना चाहिए। सुंदर विचार किसे कहते हैं? जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, किसी को देख करके जले नहीं, उसे सुंदर विचार कहते हैं। जलना नहीं चाहिए। एक गांव में एक भूखान नाम के आदमी रे, भूखान नाम के आदमी, बहन के नाम भी वही हिसाब से रखने रे भूखनी। कभी कभी देख ले कि मेल लगा के भी नाम रखे। एक भाग नौज कौन मनमोहन, एक भाग नौज कौन प्रण मोहन, एक भाग नाम जो आसुदेव, एक नाम जो वासुदेव। कभी कभी लोग मेल लगा करके भी नाम रखते थे। भूखन जी के बहन के नाम रहे भूखनी। तो भूखन जी दहेज के अभाव में बहन के शादी गरीब घरों में करी दल। अभी जो हम लोग बेटी की विवाह करते हैं, जिसको जितना पैसा है उसी के अनुसार बेटी उस घर में जा जा कतो पढ़ने जोगरो मन्ना नहीं छ। सकरा में एक आध लोग ही हैं जो शिक्षा पर कर लेते हैं। चलो भाई बेसी पर लो लिख लो, जो कम मोदल के कोई बात नहीं, लेकिन बेसी लोग वही है दो पर ले जे हमरा का की नौकरी करे लगते इतना लेबे। तो भूखन जी के बहन के शादी गरीब घर में हो गए, नाम रे भूखनी। परिस्थिति बहन का यही नो ये कि बहन के घर में खाए की अनाज नहीं रहे। तीन दिन के भूखले बहन अले भाई के यहाँ, बेटी के ऊपर जब विपत्ति आवे छे त नहर है पर ये आशा रहे छे, लेकिन माय बाप रहे छे बेटी त बेसी आशा छे। माय बाप नहीं रहे छे कुछ निराश हो जाए छे। चलिए यीशु मंडल बलिया निवासी, उन्होंने 50 रुपये दान रूप में दिए हैं। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय। भूखनी बेचारी तीन दिन के भूखले अले भाई के यहाँ, मानो रह जाए के साथ जो कुछ मिले न मर सकता, भात भी मिलते खाइए ले। केने भूख है न दुख दूसरो ने हो, जेन है भूखनी दुआरी पर चढ़ले न भूखन जी के पत्नी के दिए लहले देखी के ननद कर देखी के तब ऐलो छे ते भई कले जी परसी थरियाम खाइते पाइन है दे लहड़। पहला ननद के देखल कै त दे लहरी के बिना या घनी है धान लाड़े रे, धान लाड़े रे। भूखनी कल के भौजी है पहले हमरा खाय ले दे भौजी, हम तीन दिनों भूख लो छी। भूखन जी के पत्नी कल के खाय की हम की दवान करी खाय ले, हम अपन है दो दिनों भूख लो छी। ये धान दे छी सुखाय, अब सुखता उठबे
तालुक बैठो तब बनेबे तब खइयो हमरा घरों की खर्ची छे भूख निकल के कि भौजी है कुछ ज्यादा खा ले मरीज वो भूख कल के हम की दे दियो जा देखो घरों की छे कोठी में होते मकई खोली खा दियो मन जड़ला मनुष्य भूखनी बेचारी तखनिए लौटी अब लौटी गेल के खालिए की जेबे घर गेले भाई के खेत में खेसारी बुनने रहे वो करे साग तोड़े लग लगे सागे तोड़ी के लेके चलो जी साग तोड़े रहे ना भूखा जी अले के बहन गेल है ना घर खा पिए साग तोड़े जे कल के भैया तोरो खा पिए के अकाले जे हम की कर भौजी कल के कुछ ना जे घर खर्ची बड़ बड़ भूखन दिन कल के की अच्छा बहन पूरा घरों में खा पिए दिक्कत छ कल के भैया तीन दिनों भूख ले ये लो के लिए खइबो भौजी कल के नय छ कुछ खाए के लिए साग तोड़ी ले चलो आखा का भाई भी धरती पर छ बहन के दुख के समझे छ बहुत आदमी नहीं है समझे छ भूखन जी कल के बहन तो साग तोड़ी चल तोरा जब खाए पिए दिक्कत छो हमरा रहते हुआ दिक्कत तोरा हो जाए तो धिक्कार जे हमरो देह हो की चल हम कल जाए साग तोड़ी भूखनी तो गेले भूखन जी अब सोचे बोरण गहूम करबे गड़ी पर लात होए पत्नी पूछवे करते केकरा देबो कहबे बहिन के बहिन के नाम लेबे तो झगड़ा करबे करते आ झगड़ा करते तो तंडा हमरो बीपी बढ़ ही जाय छे हम ऊंचा लाठी दइए देबे कहीं थायमेट खाए लेके तो महगे पड़ी मारबे न मनसुबा से काम लेबे भूखा जी अइले अइले माथा पर हाथ धरी बैठी पत्नी कल के की होलो माथा में दर्द हो गला दी हम नवरत्न के तेल लगा के ये ना कही नहीं बैठे नवरत्न तेल लगा दी हम भूखान जी कल के नवरत्न तेल लगेला से माथा ठंडा होता हम जे कल के से कहने कल के तोरा नहराम या घिन लगी गई की कहलो नहराम या घिन लगी गई कल के हां हां के कहल कल के एकटा घोड़ैया जा रे सक्कर लाधी कोही पतिल के कल के नहराम आ घिन लगी गई भाई हो सब के घोड़ जर ले कल के तोर है भाईओ घरोस्ता घनिए उठलो रो तोरो भाग घोर जड़ी लहन तब पड़ोसिया सब के भी जर ले कल के भाग सब के घोर जड़ी ले खाए छे कहां मा कल के मुखिया जी जे जितने जन वही खिलाए दलो कल के मुखिया जी कत्तो दिन खिलेते तंटा टा हो मदद क्यान दो मरवा परूसी गलो भैया वहन के है घड़ी खोली दे दे खाओ आए भैया कहने दिन रहते दो चार बुरा गहूं चावल देना भो भैया घर जड़ी लिख लिखिए ना रह भई के माई आगे आई हमने जाने लिए घर जड़ी लेते गए मैयो गे भूखान जी कल क्या चाह चंगनो पीटो ना जे दे भो तो हो भाइयों के नामों पर गोहमोग डरावा मुंटाई दिल की बेचारा तीन बोरा गोहम लाधी दिल के गरीब पर पत्नी के लिए दो बोरा चावल लेने जाओ पति के देने रखो अब कुहड़े जरूरी नहीं है जे दे भो जाए पहुंचाइए दे दो बोरा
चावल लेके चल गई, एक बोरा चना दाल लेने जा कहे देने रखो, कल गई एक टीन सरसों के तेल ले लो, कल गई खबौनी छाके छन हमरा भतीजा जे छे न सुग्गा के ठोर रंग रंग भतीजा छे, तंटा बुली बुली खैत खबौनी छाके छे भोखन जी, कल गई छाकन खबौनी खबौनी जे छाके वे खबौनी में एक टकिया दु टकिया पांच टकिया सिक्का देने जाए, पति कहे नहीं नहीं या घाय दो 2000 टका जो खबौनी में नहीं गेले तब ऑर्डर मिलले ना यारू दुकानी से पण सहिया से खुदरा के एक बोरा खबौनी छंकी दल के गाड़ी पर लाथी के ओकरे नहिरा ही न बटिए गे बेचारी कल जी उच्चो भ जेबे कहिए त हमरो बड़ाई तो होबे करते गेले तो ओकरे नहिरा ही न घूड़ी के अपना बहिन कन चलोई कल के हले बहिन खो तब दो चार पांच छह महीना तक एक बोरा खबौनी दल चुक रहे नहीं दिए हैं, कल के अगल बगल वाला भैया नहीं दे, कल के नहीं 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 दिए हैं खबौनी में घूस से लो छे घूस, कल के कथी घूस छे, कल के एक टकिया दो टकिया पांच टकिया सिक्का मिलतो अब देख कल के हाले बहिन गाड़ी बर्दाद ही तो ही रखी ले हम मैं खड़ी दी ले खेती करिया बहिन बढ़िया सा सब चीज दल के गाड़ी बर्दाद ही दल के खालिए उनस आई ने अभी भूखन जी पिछुआ में रहे भूखन जी के साला पहुंची ले द्वारी पर अब बहिन गोड़ पगड़ी कान है हो भैया केना तोर घर जड़ी गेल हो भौजी भैया मुखिया जी कत्ते दिन खिले थन तोरा हो भैया चाउर गहूम खबौनी भेज रहे जो गाड़ी नहीं मिलम रास्ता भैया नहीं मिलम भाई अइलो रे कन्हे से के बहिन कन खाइबे जहनो बात बोली दिल के भाज हो गया जो हम या घी उठी गले अगर अगर कहिए आबे ने लियो ये लियो तो हमरो घर जड़िस्त है आई कहने जड़ते हमरो घर तोला कर गोर ने धोबो हे चल लियो केना घर जड़ी गेल हम है चल लियो अब भाई पोसा पोसा के चलने के लिए बुझी के लिए काले करो बहिन ये लो रे गे मई आई पगली करल काटा का चलने के लिए माई सब जी जैदल के गे मई सब जी जैदल के बहिन के गाड़ी पर लादी के गे माई आये 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 अब भीतरे भीतर बड़ा गुस्सा उठला छा हमरो दुश्मनियां जे खैने होते उ खबौनी इद बदला ले के छोड़ब भोखान जी जब अइलै ना पत्नी के मुंह फूली भगल गुस्सा कदम मार बोले नहीं अब मनसूबा बनाबे के केना बदला लेबे संयोग से गांव में
एक सरंगी बजेने एक जोगी जी बगल में गाबर सगरे नगरिया गोपी चंद मांगी चांदी खाई है रे गोपी चंद बहिनी के नागरिया